बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सबसे सिंपल वे क्या है यूट्यूब का थंबनेल बनाने के लिए। तो उसके लिए जो मैं टूल यूज़ करूंगा वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद आपने जो है वो यहाँ से सबसे पहले क्लिक टू ऐड टाइटल इस बॉक्स को आपने रहने देना है और नीचे वाले को आपने रिमूव कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना टाइटल लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे अपनी जो YouTube वीडियो है उसका टाइटल लिख लाऊं। तो टाइटल मैंने लिख लिया। अब हम इसमें सेलेक्ट करेंगे इमेजेस जो हमने इमेजेस अपने थंबनेल में ऐड करने हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इंसर्ट की ऑप्शन पे जाएंगे, पिक्चर्स, दिस डिवाइस, और अपनी जो पिक्चर्स जो आपने इसमें ऐड करनी है उनको आप सेलेक्ट करके इंसर्ट कर देंगे। जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करने के बाद आपको राइट साइड पे डिज़ाइन आइडियाज़ नज़र आ जाएगा। इसके नीचे देखें आपको डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ जाएंगी कि आप अपना थंबनेल कैसे रखना चाहते हैं। उसमें डिफरेंट आपका जो टाइटल है वीडियो का वो अलग से नज़र आएगा और आपकी पिक्चर जो है वो रेंडमली जो है वो उसमें उनका डिज़ाइन बन जाएगा। तो इसमें बेशुमार ऑप्शंस हैं आपके पास, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें। तो इस थंबनेल के लिए जो मैं सेलेक्ट करने जा रहा हूँ वो ये वाली है। तो अब अगर आपने इसको फाइनल करना है तो इसमें अब आपने इसका जो टाइटल है वीडियो का उस पे काम करना है। तो टाइटल को थोड़ा सा आप बड़ा करेंगे और कलर एक ऐसा चूज़ करेंगे जो आपके थंबनेल पे प्रोमिनेंट नज़र आए। जैसे मैं अगर आपको अपनी एक वीडियो का दिखाऊँ, जैसे ये रिस्टोरेशन क्लीनिंग एंड अपग्रेड एफ एच पी प्रो MT3400, तो सिमिलरली ये ऑलरेडी मेरी वीडियो है, अपलोड हुई हुई है। तो इसका ही देखें, इसका कलर जो ऐसा मैंने चूज़ किया जो आपके जो जब आप ब्राउज फीचर में जाएंगे यूट्यूब के तो ये टेक्स्ट जो है वो प्रोमिनेंट नज़र आए पिक्चर्स के ऊपर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले जो टेक्स्ट का साइज़ है वो थोड़ा बढ़ा लेंगे और इसको बोल्ड कर लेंगे। फिर उसके बाद हम जो यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेंगे, कलर आप अपनी मर्ज़ी का सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपकी जो थंबनेल की पिक्चर्स हैं उसके साथ जो है वो अच्छा लगे और आपके ब्राउज़ फीचर्स में जब आपकी वीडियो जाए तो वो वहाँ पे आपको ये प्रोमिनेंट नज़र आए। तो इसमें डिफरेंट कलर्स हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप सेलेक्ट कर लें और टेक्स्ट साइज़ अकॉर्डिंग टू स्पेस जो है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप इस टेक्स्ट को सेंटर में ले आएँ और अब बारी आती है इस टेक्स्ट इस थंबनेल को सेव करने की। तो सेव करने के लिए जो प्रोसेस आपने करना है वो फाइल पे जाएं और एक्सपोर्ट पे जाएं, एक्सपोर्ट पे चेंज फाइल टाइप, और फिर उसके बाद यहाँ से इमेज फाइल टाइप्स में JPG फाइल इंटरचेंज फॉर्मेट पे क्लिक करें और सेव एज पे क्लिक कर दें। यहाँ पे आपने पाथ सेलेक्ट करना है जहाँ पे आपने सेव करनी है अपनी ये इमेज, इसको कोई भी नाम दे सकते हैं आप, क्लिक सेव। यहाँ से आपके पास ऑप्शन आएगी विच स्लाइड्स डू यू वांट टू एक्सपोर्ट, ऑल स्लाइड्स करेंगे तो भी चलेगा, और लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल स्लाइड्स हैं तो जस्ट दिस वन पे क्लिक करेंगे तो वही पर्टिकुलर स्लाइड जो है वो सेव होगी। अब हम एक बार इस थंबनेल को ओपन करके देख लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से आपके पास आ जाएगा, और अगर आप वीडियो पे देखना चाहते हैं तो वीडियो पे ये ऑलरेडी मेरे पास मेरी वीडियो पे ये थंबनेल लगा हुआ है, तो ये कुछ इस तरह का नजर आएगा। सो प्लीज सब सबर कर सर खबर सबर कराए सर सर कब वट एवर।